अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। बड़े अरसे के बाद आज बात हो रही है। असल में फेसबुक ने जो है वो ऑडियो ब्रॉडकास्ट का जो फीचर है वो ही ख़त्म कर दिया। कभी कभार दिल करता है कि कुछ बातचीत की जाए, लेकिन ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है, तो वीडियो की ऑप्शन होती है। इसलिए जो है वो काफ़ी दिन बाद बात हो रही है। तो उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी अच्छी होगी। आप ऑब्वियसली सोच रहे होंगे मैं जैकेट पहन के बैठा हूँ, तो ज़ाहिर है किसी ठंडे मुकाम पे बैठा हूँ, और अगर आपको मेरे बैकग्राउंड में दरिया के पानी की आवाज़ आ रही है तो ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजर रही होगी और मिजाज अच्छे होंगे। हालात अगर कठिन भी होंगे तो अच्छे की उम्मीद रखे हुए होंगे। मेरी आवाज़ स्लो आ रही है? अच्छा, हैरत की बात है, मेरी आवाज़ स्लो आने लगी। एक्चुअली मैं आउटडोर बैठा हूँ, पीछे दरिया का शोर है, शायद इसलिए आपको आवाज़ कम आ रही हो, लेकिन उम्मीद है अब ठीक आ रही होगी आपको आवाज़। बताइएगा कि अब आवाज़ ठीक आ रही है कि नहीं। तो ट्रेन में नहीं हूँ दानिया मलिक, ये पीछे दरियाए कुनहार है, मैं इस वक्त नारान में बैठा हूँ और ये दरियाए कुनहार की आवाज़ है, और ये कमरा जो है होटल का उसकी बाहर बालकनी में बैठा हूँ, सिर्फ ये आवाज़ सुनने के लिए बैठा हूँ। उम्मीद है कि अब आपको आवाज़ बेहतर आ रही होगी। बताइएगा मुझे, मरीना बिलाल, दानिया मलिक, अतीक साहब हैं हमारे साथ, और सबका बहुत बहुत शुक्रिया सलाम का। तो बेसिकली जो शोर है ना बैकग्राउंड में, वो दरिया का पानी है, उसका शोर है। इसलिए शायद आपको थोड़ा सा मसला दरपेश आ रहा है। ज़िंदगी उम्मीद है आपकी अच्छी गुजरी होगी और मामलात अच्छे चल रहे होंगे, और हालात बहुत अरसे बाद जो हैं चूँकि बात हो रही है तो हालात पे बात ही नहीं हो सकी। बहुत कुछ हुआ इस दौरान, कई दफ़ा मैंने सोचा कि बातचीत की जाए, लेकिन होता ये है कि ये जो वीडियो वाला है ना, मैं इसके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रहा, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है कि बात जो है वो की जाए। लेकिन पोस्ट भी मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं करता, पेज भी काफ़ी काफ़ी दिन नहीं खुलता, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है। मामून निसार साहब, थैंक यू वेरी मच, आप पुराने फ़ैन हैं, काशिफ़ खान के बाद आपका शो बेस्ट जी। काशिफ़ खान साहब की सालगिरह भी जुलाई में आती है, मेरी भी आती है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, प्यारे इंसान थे, खूबसूरत आदमी थे। मामून निसार साहब हैं हमारे साथ, सादिया फ़ारूक हैं, उसके बाद मैसेज एक्चुअली काफ़ी सारे आ रहे हैं तो मैंने कहा पढ़ लूँ। और मैं जी क्यूट परी साहिबा बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद आप भी ठीक होंगी। हमारी अम्मी जान ने भी देखना शुरू कर दिया, दैट्स वेरी नाइस। अब खैर, तो आज सडन ही लाइव हो गए हैं जी। सडन ही होता है ज़िंदगी, सरप्राइजेस का नाम है, सरप्राइजेस को एंजॉय करना चाहिए। सलमा साकिब मलिक, योर वॉइस डजेंट चेंज विद एज, वेल दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ नॉट चेंजिंग विद एज परहैप्स। और अच्छा है कुछ तो जवान रहे ना, बाकी चीज़ ना भी हो तो चले आवाज़ तो जवान है। ज़िया मोहिद्दीन साहब की आवाज़ को देखें ना, माशाल्लाह 80 साल से ज़्यादा उनकी उम्र है, आज भी आवाज़ में वही खनक, वही खूबसूरत लबो लहजा, और क्या खूबसूरत अदायगी। तो बहुत ही अच्छी बात है कि कुछ तो है ना, वो है ना कि बहुत एक मशहूर तायरा सैयद, उनकी वालदा मलका पुखराज का गाना अभी तो मैं जवान हूँ, तो यही बात है। तो खुशबख्त अदनान हैं, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? खैर खैरियत से? थोड़ा सा बताइए आपके यहाँ इन गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों महीनों में क्या होता रहा, क्या अपडेट है, और कुछ कुर्बानी की ईद का भी समा है, और जहाँ मैं फिर रहा हूँ यहाँ पे दुम्बे बकरे बहुत हैं, दिल तो मेरा कर रहा है कि यहीं से लेके बंदा चला जाए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। तो बहरहाल उम्मीद है आपको आवाज़ अब ठीक आ रही होगी, बेहतर आ रही होगी। बस हमारी तरफ भी ऐसे ही हैं जी हालात, जैसे आपकी तरफ हैं। आजकल हर तरफ जो है वो
काफ़ी कुछ है, मैं मतलब बात भी करना चाहता हूँ लेकिन फिर मैं अजराहे मजबूरी बहुत सारी बातें नहीं भी कर पाता, क्योंकि हमारे यहाँ जो है बर्दाश्त का मादा जो है मनहसुल कौम बहुत कम हो गया है, और इख्तलाफ राय को झेलने का तो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। सो ये थोड़े से मसले मसाइल रहते हैं, सो इसलिए बात ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। लेकिन अगर आपको क्रिकेट का शौक़ है तो एक तबसरा मेरे पास ज़रूर है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम जो है ना, फोर्थ इनिंग का जो रन चाहिए इसकी बेस्ट टीम बनती जा रही है। अगर आप इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच इस वक्त फॉलो कर रहे हैं तो क्या आज बैटिंग किया इंग्लैंड ने। बुशरा लतीफ़ चुगताई, अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ हैं इस वक्त? हाँ, ये अच्छा सवाल है जी। हम नॉर्दर्न एरियाज़ की सैर करने आए हुए हैं ज़रा, तो वहाँ हैं और नारान में, तो मरीना बिलाल हैं। ए बी, आपने तो रेडियो ही छोड़ दिया, मैंने बहुत साल और बहुत ज़्यादा आपको सुना है, मिस करते हैं आपके लिसनर्स जी, ऐसे ही हम मिस करते हैं। तो करें, वो पीछे देख रहे हैं आप, एक लड़की जो है वो शीशे से देख रही है, ठीक है जी। तो हमारे, हाँ, बस पिछले 3 माह से गर्मी है मुल्तान में। हाँ जी, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, अब तक नहीं लगाया फाइल को तूने पहिया, चुपचाप जाके कर ले अब तू मकमकैया, ये काम नहीं होगा ऐसे मेरे भैया, फिर ना मुझको बोलना जब डूब जाए नैया, हबीबी हैया हैया, हबीबी हैया हैया, कब तक बैठी रहेगी तेरे लिए सुरैया, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लैया, अब भी जो तूने अपना बदला नहीं रवैया, तो फिर अब पक्की गल है हुनो हथों गैया, हबीबी हैया हैया जी। आपको सुन के हमेशा अच्छा लगता है बिलाल भाई, सलाम कर दें जी। और जोया चौधरी साहब को याद कर लें, सीरियस चल रहा है माशाल्लाह, योर क्यूट डॉटर, वाह क्या बात है आपकी, ए बी सी, थैंक यू। दानिया मलिक हसरी जी, अस्सलाम वालेकुम कर लें, सलाम वालेकुम। ठीक है, आप किधर आ गई हैं घूमते फिरते? नारायण आ गई हैं, जो बता दें थोड़ा सा क्या क्या किया है। आज मैंने ज़िपलाइनिंग की है और राफ्टिंग। हाउ वाज द राफ्टिंग एक्सपीरियंस? वेरी गुड। अच्छा चले, और कोई बात कर रही है, मैं बात कर लूँ? वैसे देख लेते हैं। इसे देख लेते हैं। सो जी, मुल्तान जाने वालों का आ चुका है लैया, ये आपको पता है ना, ये दादो कह रही है मिस यू, मिस यू टू दादो। ये मेरी जो है ना, ये मेरी लाडो है, लाडो मार का साबुन है ये, ठीक है जी। तो ये है जी, मुल्तान में गर्मी है, गर्मी में आम अच्छे होते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं जी, उनका ताल्लुक मुल्तान से है, और अगले रोज़ मैंने उनको कहा कि जनाब आम ही खिला दें, तो उन्होंने आगे से कहा अभी तो अच्छे आम आए नहीं, तो मैंने कहा जी अच्छा आम कौन सा होता है, उन्होंने कहा जी अनवर रटोर, तो उन्होंने कहा मुजफ्फरगढ़ का अनवर रटोर नहीं आया। एक और दोस्त है मुल्तान से, उनको मैंने कहा यार सुना अभी तक आम नहीं आया, उसने कहा जी अनवर रटोर तो ख़त्म भी हो गया। सो हमारे जो मुल्तान के दोस्त हैं ना, वो आम खिलाने में बड़े ही फारग हैं, यकीन करें इतने फारग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये हालात हैं। एक बार हलक से निकाल के कहें कि हाय हलवा, जैसे आप FM पे कहते थे जी। अब हलवे शलवे के ज़माने नहीं हैं, अब हाय जलवा ही है जो हम इस वक्त जो है आपको दिखाने की अपनी सी अधूरी सी कोशिश कर रहे हैं। सो हम बात कर रहे थे उन दोस्तों की जो मुल्तान से जिनका ताल्लुक है, और वो आम उनको मिल ही नहीं रहे, यानी कि अच्छे आम, तो हमने उनको बल्कि छेड़ा कि हमारे एक और दोस्त हैं, उन्होंने उनसे कहा कि यार वो ए बी अच्छे आम जो है ना, वो सारे इस्लामाबाद चले गए मुल्तान से, आप वहाँ जाके ख़रीद के खा लें। तो ये हालात हैं जी, बहरहाल ऐसे भी दोस्त होते हैं, ऐसे भी हैं मेहरबान। ठीक है, आपने कुछ लगानी है गपशप? क्यों आप हंसी जा रही हैं? अच्छा, मुझे बात करने देंगी आप? दानिया मलिक कह रही है अनवर रटोर ख़त्म जी, ख़त्म हो गए जी, उनकी तरफ से तो हर चीज़ ही ख़त्म है, चौंसा चल रहा है जी, वो हमारे पास कौन सा आ गया चौंसा। देखे ना, वो हर बंदा अपने अपने शहर की खासियत बयान करता है, मेरे शहर में ये अच्छा है वो अच्छा है, लेकिन जो है मीम से मदद नहीं करता, और वह अच्छे अच्छे आम नहीं भेजता। ठीक है जोया, आप अंदर चली जाएं बेटा, मुझे बात कर लेने दें, ओके। सो ये हालात तो वाकया था, बड़ी बात है जी, 26 लोग देख रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं जी गपशप, और बस और क्या है जी इस वक्त। आमिर लियाकत साहब जो हैं वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए,
और एक अजीब ही अरूजो जवाल की दास्तान थी, उस पर क्या बात करें। बाकी खान साहब चल गए हैं, चढ़ गए, अपने फेवरेट काम दोबारा शुरू कर दिया उन्होंने, जलसे और कंटेनर, और दोबारा से वो तकरीरें कर रहे हैं, खूबसूरत तकरीरें करते हैं, और एक ही तकरीर जो है वो बार बार करते हैं, ठीक है। तो ये भी उनका कमाल है। हाँ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आई सेटल दिस, ठीक है। ओह ले जी, ये नारान है जी। अच्छा मैं आपको अब मज़े की बात बता देता हूँ, यहाँ पे ना लाइट नहीं आती, सो वापडा का नामो निशान नहीं होता यहाँ, और इस वक्त ना ये जनरेटर्स भी ऑफ़ कर देते हैं, तो अगर आप देख सकते हैं के जी इस वक्त जो है उन्होंने जनरेटर भी बंद कर दिए हैं, तो ये यहाँ का प्रॉब्लम है, पूरा दिन जो है वो लाइट नहीं आती यहाँ पे। तो लाइट जो है वो एनी टाइम चली जाती है, लाइट का कोई पता नहीं होता। और अगर आपको मैं थोड़ा सा कैमरा चेंज करके बताऊँ तो वो पूरे शहर की लाइट जो वीडियो के शुरू में नज़र आ रही थी वो नहीं है, एक घने हुए बादल हैं ऊपर, और कल यहाँ बारिश की प्रडिक्शन है, कल की कल देखेंगे। सो जी ये हालात वाक़यात हैं, और लाइट चली गई, उम्मीद है ये ऐसे ही ठीक है, और इस तरह ही बात कर लेते। ईद से पहले जाके अच्छा कि आपने ईद के बाद बड़े को बेड़ा गर्क कर देना है था, रश नहीं, नहीं रश बिल्कुल नहीं है, रश नहीं होता, और रश बिल्कुल तकरीबन जो है वो इस वक्त ख़त्म हुआ है ईद की वजह से। सो ये हालात वाक़यात हैं जी, और बाकी पाकिस्तान किन हालात से गुज़र रहा है आपको अच्छी तरह अंदाज़ा है, कौन इसका ज़िम्मेदार है इस पे बड़ी लंबी बहस हो सकती है। जाने वाले कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, आने वाले कहते हैं पिछलों ने बड़ा गर्क किया, जाने वाले कहते हैं कि हम अच्छे थे, अगर हम रहते तो ये ना होता। तो ये वही बात हो गई जो कि फिल्म में एक वो शेर है ना कि मैं और मेरी तन्हाई, अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता, तो यही बात है। अच्छा जी आप फिर सेल फ़ोन कैसे चार्ज करते हैं? सेल फ़ोन जी अभी ये जनरेटर चल रहा था होटल का, सेल फ़ोन चार्ज हो जाता है, गाड़ी में चार्ज हो जाता है, सेल फ़ोन अच्छे आ गए हैं, बैटरियाँ अच्छी हैं अब उनकी, एक एक दो दो दिन चल जाती है बैटरी, सो सेल फ़ोन भी चार्ज हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, और फिर ना भी चार्ज हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि जैसे ही आप नारान से बाहर निकलते हैं तो सिग्नल आना बंद हो जाते हैं, सो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि सारा दिन कोई कॉल नहीं आती, सारा दिन व्हाट्सएप के टिन टिन नहीं होती, तो ये अच्छी बात है, तो हो जाते हैं। होटल्स और रूम्स रेट्स कैसे हैं भाई? भाई जैसी जेब वैसा रेट, जैसे आपकी अफोर्डेबिलिटी है, 2-3 हज़ार 4 हज़ार का भी होटल है यहाँ पे, 25-30 हज़ार का भी होटल है, हम मीडियोकर से बंदे हैं, जो बीच में कहीं हम भी फिट हो जाते हैं आके, तो ठीक है, सीज़न है, अच्छा होटल। अब अच्छे होटल से मुराद ये है कि कम से कम लाइट गई है, तो ये कमरे की लाइट जो है वो सलामत है, वॉशरूम की लाइट जल रही है, ठंडा गर्म पानी 24 आवर्स मैसर है, इंटरनेट मैसर है, तो ठीक है। लेकिन इस वक्त तो मैं खैर अपना टेलीनॉर का इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही चलता है। पता नहीं यहाँ पे लोग कैसे रह लेते हैं विदाउट लाइट। अच्छा नहीं, बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये होटल की बालकनी के साथ ही ना थोड़ी सी रोशनी होती तो मैं आपको दिखाता, ये किसी का ना कच्चा घर है, सो अगर आपका ख्याल है कि ये बगैर लाइट के रहते हैं तो ऐसा नहीं है, इनके घर में डिश भी लगी हुई है, अभी रोशनी होती तो मैं आपको दिखाता। और पीछे खेत हैं, और उन खेतों में इन्होंने फसल वगैरह लगाई हुई, और ख़वातीन जो हैं वो दिन में इन खेतों में काम कर रही थी, और बच्चे भी खेल रहे थे, और कपड़े शपड़े भी धो के डाले हुए थे, तो ऐसा नहीं है। और मैं आपको बताऊँ कि जहाँ जहाँ सिग्नल नहीं भी आता वहाँ भी लोगों ने स्मार्टफोन्स रखे हुए हैं। तो मैं आज जिस जीप ड्राइवर के साथ गया था सैफुल मलूक, तो उससे मैंने पूछा कि तुम स्मार्टफोन यूज़ करते हो, उसने कहा, तो मैंने कहा क्या करते हो, उसको अपने पैकेज का भी पता था, वो कहता है जी शहर में चलता है नेटवर्क तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। सो बिजली के बगैर इसलिए भी यहाँ आराम से रहा जा सकता है, क्योंकि ये लोग जल्दी सो जाते हैं, इनको शाम को लाइट की ज़रूरत नहीं होती, और दिन में मौसम इतना अच्छा होता है कि 6 महीने तो इन्होंने रहना होता, 7 महीने उसके बाद ये लोग यहाँ से हिजरत कर जाते हैं। सो आप जैसी आदत डालें, अब मुल्तान या सिंध की या लाहौर फैसलाबाद सेंट्रल पंजाब की या फॉर दैट मैटर पिंडी इस्लामाबाद की गर्मी है, वहाँ पे आपको लाइट की ज़रूरत है, तो यहाँ पे नहीं है। शुभ झील पे परियाँ नज़र आई क्या है? परियाँ उसी है, वो कहते हैं ना
और रे लोगों सुनो कहानी, एक था राजा एक थी रानी। तो वो बस कहानियों में ही है, राजपाट सब राजा का था, रानी थी बस नाम की रानी। पल पल उससे पूछना ये, लें जी आ गई लाइट बाबडा की, मुबारक हो जी। देखा ये होता है। सीम्स आपका होटल सैफल मुल्क वाली स्ट्रीट पर है, आई कैन हेयर वाटर फ्लोइंग। ये वाटर फ्लोइंग साउंड इट्स एवरीवेयर बिकॉज एवरी होटल इज़ बेस्ड यू नो इट्स बिल्ट राइट बिसाइड द कुनहार। मैं झील वाली साइड पे तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, बाज़ार से भी बहुत दूर। सो अगर आप देखें तो वो जो दूर लाइटें नज़र आ रही हैं वो बाज़ार की लाइटें हैं। और जब लाइट गई हुई थी तो मैं आपको कह रहा था ये डिश लगी हुई है। सो ये कच्चा घर है, ये आप इसकी छत देख सकते हैं, और इसके ऊपर जो है उन्होंने डिश लगाई हुई है। सो जो आगही है ना वो काफ़ी दूर तक पहुँच गई है। और कोई जी कोई बातचीत, कोई सवाल जवाब है तो कर लें ताकि फिर हम उस पर गुफ्तगू कर लें, वरना आगे चलें। सफ़िया यासीन, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम लिसनिंग योर लाइव रिमाइंडिंग मी 2008। हाँ 2008, वक्त बड़ी तेज़ी से गुजर गया। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी अच्छी गुजरी है, बहुत मुश्किलात भी आईं, उसके बाद बहुत सारी आसानियाँ भी आईं, लेकिन खूबसूरत है, तेज़ी से गुजर गई है। दैट इज़ वन ईशू के ऐसे पलक झपकते ही कई साल गुजर गए। तो सर आप तो इन्जॉय कर रहे हैं, मैं इन्जॉय से ज़्यादा जो है ना, इन्जॉय करना से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट काम है ना ज़िंदगी में वो रिलैक्स करना है, अपने आप को ब्रेक देना है, रूटीन से सुकून करना है, रूटीन आपके जो बैरियर्स हैं वो ब्रेक करने हैं आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल घर में हो तो हम इस वक्त सो रहे होते हैं, लेकिन नहीं ऐसे ही है। अवाम के दुखों का मुदावा कोई करेगा पाकिस्तान में? कोई किसी के दुख का मुदावा नहीं करता जी, ये मैं आपको बता दूं। अल्लाह ताला ही है इंसान के दुखों का मुदावा करे, इंसान से तो तवक्को रखना ही फजूल है। इंसान क्या देगा किसी को? जहाँ पे मैं तो फिर कहता हूँ कि यहाँ पे बुरे हालात हैं जी, हर बंदा एक दूसरे को लूटने पर लगा हुआ है। सारे हुक्मरान या सियासतदान सिर्फ करप्ट नहीं, हम खुद बड़े करप्ट हैं, हम हर लिहाज से करप्ट हैं। सो ये है। हनिया हमूद, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम यूके। कैसी हैं हनिया आप? खैरियत से हैं? यूके में इस वक्त बजे है शाम के 8:30, और मगरिब और असर के दरमियान का वक्त होगा, ऐसे ही है क्या? चलें, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। यूके में मौसम अच्छा होगा आजकल, 24, 25, 26 इंजॉय कर रहे होंगे। और आएँ पाकिस्तान, बड़ी ईद करें, कोई बकरे की आवाज़ें सुने, कोई गोश्त खाएँ, कोई टिक्के खाएँ, फिर लोगों को लंगड़ाता हुआ चलता हुआ देखें। वो इन्ने टिक्के खाते ने, इन्ना गोश्त खाते ने पाकिस्तानी, बाद च ना गोडे ते टखने ते गिट्टे कुछ भी कम नहीं करता, यूरिक एसिड बच जाता है। तो पाकिस्तानियों को तुसी दे दियो ना गोश्त, पाकिस्तानी जड़े ने ना गोश्त पिछे कुछ भी कर सकते हैं। हम तुसी किसी के घर चले जाओ ना, पाकिस्तानियों के बड़े मसाइल ने, उत्तों पंजाबियों के डबल मसाइल ने। मैं कभी कभी सोचता कि मैं ना एक पंजाबी यूट्यूब चैनल शुरू करा जिस मैं सारा दिन ना पंजाबियों के मसाइल पर गल करा। फॉर एग्जाम्पल पंजाबियों का सब तो बड़ा मसला है कि घर कोई मेहमान आ जाए ना तो तुसी दाल सब्जी नहीं पका सकते। क्यों? कि जी मेहमान आया गोश्त नहीं पकाया। एक पकाने वाले तो भी यू नो लाजिम है कि वह पकाए, तो जोड़े आने वाले ने उन्होंने दाल सब्जी खवा दो तो पूरे खानदान से जाके तड़ा टीन लाते हैं। ठीक है जी, और जी असी उन्होंने घर गए, असी किराया ला के नाल 2 पाउंड का केक भी लैके गए, 4 जूस भी सी नैसले दे। अगलिया ने जी माँ की दाल रख दी, नाल उन्होंने आलू पालक पकई हुई सी। यह को तरीका थोड़ी है, 250 रुपया लीटर पेट्रोल होया है, तो असी पेट्रोल ला के उन्होंने घर गए सी तो उन्होंने दाल सब्जी खवा दी। तो मेरा तो ना यही बड़ा इख्तलाफ है पंजाबियों तो पाकिस्तानियों के नाल कि यार खुदा दे वास्ते यह गोश्त गोश्त खेलना बंद कर दो, अल्लाह का वास्ता है तुहानू। सारा साल तुसी गोश्त खाते हो, यह जरा कुरबानी का गोश्त ने वंड देना, इन्ना गोश्त खाते ने यार, पहले पेट खराब कराते हैं, डायरिया करा लेंगे ने, फिर सिपरोक्सिन खाते ने, ड्रिपा लवाते ने, उस तो बाद यूरिक एसिड बच जाता है, फिर डॉक्टर को जाते हैं। वो सर जी मैं तो इन्ना जहा खाधा सी। और नहीं जनाब, इन्ना जहा तुसी खाधा हों तो यूरिक एसिड तो हरा मड़ता। तो प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी जड़े ने ना, तो जोड़े साढ़े पंजाबी ने, इन्हों का मसला एक बड़ा गोश्त भी है, मतलब बड़ा मसला जो है वो गोश्त खाना है, बड़ा गोश्त नहीं, यानी कि सिर्फ नॉट ओनली बीफ, इट्स चिकन, इट्स मटन, इट्स बीफ, एवरीथिंग। सो ये बड़े बड़े मसाइल हैं, बड़े मसाइल हैं जी पाकिस्तान में ना भी गोश्त। अच्छा फिर उस तो बाद जी पकाना आता नहीं है,
ਅਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਪੀਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਗੋਸ਼ ਦੇ ਤਿੱਕੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਡੈਂਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀ ਈਦ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਈਦ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੁੱਟੇ ਦੰਦ ਫਸੀਆਂ ਯੂ ਨੋ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਰਾਚੀ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਠਾਨ ਖਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਹਜ਼ਮ ਵੀ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਪਠਾਨਸ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਫੌਂਡ ਆਫ ਮੀਟ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਝੇ ਉਨਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਕੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਰਾਮੋ ਮੈਂ ਹਮਨੇ ਦੇਖਾ, ਉਹ ਜੀ ਮਹਿਮਾਨ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਤੁੰਬਾ ਗਿਰਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਸ ਦਫ਼ਾ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਫਰਿੱਜ 'ਚ ਸੇਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਸੇਵ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੀ ਚਲੋ ਅੱਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੋਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ, ਉਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫੌਰਨ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜੀ, ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਹਮਨੇ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਤੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਸੁਮਨਾ ਜਲੀਲ, ਇਹੀ ਤੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਕੋ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਕਰੂੰਗਾ ਨਾ, ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਬਣਾਊਂਗਾ ਨਾ, ਨੀਚੇ ਸਬ ਟਾਈਟਲਸ ਰੱਖੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਕੋ ਸਮਝ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲੱਸੀ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਸਹੀ ਡਕਾਰ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ, ਉਹ ਬਟੇਰੇ ਚਿੜੇ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਮਗਜ਼ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਖਰੋੜੇ ਸਿਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਛੋੜਦੇ, ਖਾ 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 ਭੈੜਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ, ਗੋਸ਼ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਟਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਮਟਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖੈਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ 8 ਘੰਟੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸੀ ਟੋਪਿਕ ਪਰ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੋਪਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰੀ PhD ਥੀਸਿਸ ਲਿਖਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਮਾਰੇ ਯਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਡਰ ਕੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਸੇ ਡਰ ਕੇ ਮਾਰੇ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਦਾਨੀਆ ਮਲਿਕ, ਇਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕੀ ਆਪਨੇ। ਚਲੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹੋਗੇ। ਚਲੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਂਗੇ ਗੱਪ ਸ਼ਪ ਲਗਾਏ ਆਪਕੇ ਸਾਥ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ੋਇਆ ਕੇ ਲੀਏ ਟ੍ਰਾਈਪੋਡ ਔਰ ਮਾਈਕ, ਮੈਨੇ ਉਸਕੋ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਏਂਗੇ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਾਈਕ ਕੇ ਸਾਥ, ਉਸਮੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਤੀ ਹੈ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੇ ਜਾਨਵਰ, ਅੱਛਾ 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 ਭਾਈ, ਮੂੰਹ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੂਖ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਜਨ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੱਕ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਫਟਾਫਟ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਰੱਖੋ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਾਂ ਨਸਵਾਰ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਪਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੋ ਜਾਓ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਸੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਿਆ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਥੇ, ਬੀਚ ਮੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਬਾਤ। ਚਲੇ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, 20 ਪੀਪਲ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ। ਦ ਵੀਡੀਓ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ ਔਨ ਮਾਈ ਪੇਜ, ਯੂ ਕੈਨ ਵਾਚ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਯੂ ਵਾਂਟ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਵਿਲ ਇੰਜੋਏ। ਸੋ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਕਿ ਬਕਵਾਸ TV ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਪਰ ਬਸ PMN ਨੇ ਕੋ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ,
पीटी पर ये कोई और क्राइटेरिया है जी, पता नहीं मुझे, मैं इस पे सियासत पे मैं इसलिए बात नहीं करता ना, बिकॉज़ देखें ये पेज सियासी पेज नहीं है, और दूसरी बात ये है इस वक्त तो जो जाने वाले हैं उन्होंने भी बड़ा गर्व किया, और जो आने वाले हैं उनको पता था हालात ऐसे हैं, तो उन्होंने क्या किया, तो देखते हैं क्या होता है। सो इट्स टू अर्ली टू टॉक, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग किसी की भी हुकूमत है ना इस वक्त गरीब आदमी बहुत मसले का शिकार है, जो 20, 25, 30, 40, 50 हज़ार, 60 हज़ार, फॉर दैट मैटर 70, 80 हज़ार वाला जो किराए के मकान में रहता है, जिसके 3-4 बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत मसले का शिकार है। गरीबों को तो छोड़ ही देना, जो बेचारे 15 हज़ार, 18 हज़ार रुपया तनख्वाह लेते हैं उनको तो एक तरफ रखते हैं। सो तल्ख बहुत है बंदाए मज़दूर के हालात, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, आपसे जो हो सकता है आप करें, आस पास तो हमें भी जो अल्लाह पाक ने तौफीक दी हम करते हैं। अगले आओ सियासत नू पाई रोटी की गल करो, रोटी पाई जान तुम इस टाइम रोटी ना खाना तन गैस हो जाएगी, फिर तन अजवाइन खानी पैनी या फकी, इस टाइम तुम सो जाओ या कावा पियो। मैं तुम दसिया सी ना साडा एक जाने नाल है, वो कहिंदा है उन्हें इनवाइट करना होंदा ना, तो वो कहिंदा है कि यार आप आए हुए, अच्छा, तो आप ऐसा करें कि डिनर करके आइएगा, घर कावा इकट्ठा पियेंगे, तो पाई जान तुम कावा पियो, ते रोटी इस टाइम नहीं खानी तुसी, बड़ा मसला हो जाएगा, पता लगे सारी रात तुसी ढिड फाड़ के जड़ा ना चौकड़ी मार के बैठे हो, तो नाल अपनी बुढ़ी ने तंग किया होया, जाओ ठंडी लस्सी लियाओ, जाओ ठंडा दूध लियाओ, ठंडा पानी लियाओ, सेवन अप लियाओ, नमक डाल के। अच्छा एक तो असी ना सारे डॉक्टर भी ने ना हर चीज़ पेट का दर्द होए ना, और यार इन्हू सेवन अप लाओ नमक पा के, वो बंदा पूछे उन अगे ही पेट च मरोड़ फिर रहे हैं, उत्तों तुम सेवन अप ला दोगे वह भी नमक वाली, ये पता नहीं केड़े केड़ा टोटका जड़ा है ना पंजाबियों ने कढ़िया है कि जी सेवन अप पिए जी नमक डाल के, ओ भाई क्यों, खरीयत है, खैर है, तो मुझे तो समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ गया है नया, मतलब ना, मतलब अगर पाकिस्तानी जो टोटके किसी जो ये साइंस के जो माहिर हैं, डॉक्टर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, तो वो उनको अगर पता लग जाए पाकिस्तानी टूट के, यकीन करें वो सर पकड़ लेंगे। अच्छा पहले 2-3-4 किलो गोश्त खा लिया, उसके बाद फिर 1.5-2 लीटर सेवन अप पी ली नमक डाल के, ये जी हज़म नहीं हो रही। अच्छा वो अच्छा कुछ ऐसे भी हैं हमारे लोग जो है ना, वो हमारा एक दोस्त है, वो हमारे साथ खाना खा रहे होते हैं, तो वो लाजमी स्प्राइट पीते हैं या सेवन अप पीते हैं, बाद में पता महफिल में बैठ के कहते हैं लो जी हज़म हो गया, लो जी इन्नी देर से हज़म हो गया, डकार आन दे नाल ही ना, ए भी नवा एक फलसफा कढ़िया होया सी। चले खैर है, इस सब वाला दूध अभी पिया है कसम से, ओए होए होए मेरा भरा, तू उत्तों कह रहे मेरे मुंह च पानी आ रहा, पहले इस सब बोल पी के बैठा है, ते इसके ऊपर मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि इस सब बोल ते कुछ ना फूल, ते इस तो अगे ना मैं पूछांगा ना मेरा भरा तू दसी कुछ। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, हैव अ वेरी गुड ईद, आई विल ट्राई कि मैं आपसे गपशप लगाता रहूं। और मरीना बिलाल कह रही है सेवन अप वाला टोटका हमारे घर में भी बहुत यूज़ होता है, हम भी पंजाबी हैं, बस गए पंजाब में रूई को रूं कहने लगे, बस गए पंजाब में रूई को रूं कहने लगे, दिलबराने लखनऊ उई को ऊं कहने लगे, आपको तू और तू को तू कहने लगे। तो ये है बिरयानी नाल सेवन अप ज़रूर होनी चाहिए, आहो यह भी एक मसला है जी, बिरयानी पहले बंदा चौल खाए वो तो सेवन अप पी ले, यानी कि ना वो चौल जड़े ना अंदर जाके फूल जान, तो सेवन अप ना वो हजम करने की बजाय ना वापस आए थे गले तक आए वापस, फिर कह यार बदहजमी ये हो गई, तो ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है। चावलों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं पीनी चाहिए ड्रिंक यार, ये तो बिल्कुल भी बेकार चीज़ है। सो हम लोग पीते हैं, खैर हमारे लिए तो ये मशरूबात जो हैं इसकी यूटिलिटी और उसके फ़वाद इतने हमने आपस में पैदा कर लिए, लेकिन मैं झूठ एक तरफ, जब बहुत मज़ेदार गरम स्पाइसी बारबेक्यू खाया हो तो मैं भी पीता हूँ ड्रिंक, लाजमी पीता हूँ कभी कभार, यू नो जस्ट टू इन्जॉय, और शर्त यह है कि जितनी मर्ज़ी ठंडी बोतल हो उसको बर्फ़ में डालना है। 5 मिनट आपको सुना, मज़ा आ गया, फ्रेश कर दिया, खुश रहे और आप इन्जॉय करें अपने ट्रिप जी। ट्रिप तकरीबन ख़त्म होने वाला है, अब घर जा के तैयारी करनी है कुर्बानी की, बाकी ज़िंदगी ऐसे ही लम्हों का ही नाम है,
और ऐसी खुशपाश रहा करें। कोशिश हम भी करते हैं लेकिन खुश नहीं रह पाते एट टाइम्स, हम भी नाशुक्रे हो जाते हैं, आप भी खुश है ब्रो। व्हाट अ सरप्राइज, हैप्पी ट्रैवलिंग इन नॉर्दर्न एरियाज, रिगार्ड्स फ्रॉम कनाडा। थैंक यू तैयब। आपकी फेसबुक आईडी क्या है, अपनी दुआ में याद रखें। तो मेरी फेसबुक आईडी ज़ाहिर है मेरे नाम से ही होगी ना, तो अगर मेरा नाम अहमद बिलाल है तो मेरी फेसबुक आईडी अहमद बिलाल के नाम से ही होगी। बहरहाल ये पेज भी मैं मेंटेन खुद ही करता हूँ, कोई और बंदा मेंटेन नहीं करता। बंदे किन्ने ने, 4,000 बंदे ने, वही बेचारे 20-25 लोग ने जड़ा देख दुख लेंदे ने। और वो क्या है, आपकी फेवरेट डिश ईद के मौके पर क्या होगा? देखिए जी, मैं एक बहुत बड़ा मीट लवर नहीं हूँ, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। और आपको याद होगा अगर आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट देखें तो आज से 2-3 साल पहले मैंने ईद वाले दिन हार्डीज़ के चिकन बर्गर की तस्वीर लगाई हुई है। जो भी बन जाए खा लेते हैं। हम लोग सारे चिकन हो गए हैं, चिकन खा खा के। लेकिन अगर अच्छे बोनलेस कोई बना हो, मटन घर के तिक्के बने हों, घर के चप्पल कबाब बने हों, अच्छा लगता है खाना। हम भी खाते हैं अक्सर, ज़्यादा भी खा लेते रहे। जवानी में बहुत खाया, अब मैदा इजाज़त नहीं देता, ना सेहत इजाज़त देती है। लेकिन एक वक्त था हम भी खुराक के अबुल हौल हुआ करते थे, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, टाइम टाइम की बात है। उम्र के साथ साथ जो है वो खुराक या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम हो गई, ये भी अल्लाह का करम है। खुश रहें जी, थैंक यू वेरी मच, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ और इन्जॉय योर ईद। आई ट्राई टू कनेक्ट ऑन ईद समडे। मेरे पास ऑडियो का ऑप्शन हो तो मैं म्यूज़िक वाला शो करना चाहता हूँ, लेकिन वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके बहुत अरसे के बाद। इट्स फन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शब बखैर, फ़ी अमान अल्लाह।